सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मुकेश कुमारी आज एक नई कविता के साथ, बहुत ही प्यारी कविता है हमारी क्लास फोर की, क्लास चौथी की चौथी कविता है। आओ चलें घूम ले हम भी। आप सभी का अभी घूमना रुका हुआ है लॉकडाउन की वजह से, कहीं पर भी आना जाना नहीं हो रहा है, लेकिन कविता देखो कैसी आई है। आओ चलें घूम ले हम भी। चलो इस कविता के माध्यम से हम आपको घुमा देते हैं। ये बहुत ही प्यारी कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है। सबसे पहले हम इसके इस कविता की शुरुआत में चलते हैं। चलिए कविता को शुरू करने से पहले इसके थोड़ा सा यहाँ पर कुछ नया जान लेते हैं। आओ नाता जोड़े। दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत 2002 में हुई थी। आप सभी को मेट्रो के बारे में पता होगा, मेट्रो ट्रेन इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी दिल्ली में। कब हुई थी? 2002 में। दिल्ली के अलावा कोलकाता जाकर भी आप मेट्रो का आनंद ले सकते हैं। आप सभी कभी दिल्ली जाओ तो आप सभी मेट्रो में ज़रूर घूमना, मेट्रो की सुविधा ज़रूर लेना, क्योंकि ये ट्रेन से भी बहुत फास्ट होती है और छोटे छोटे स्टेशनों पर रुककर हमें वहाँ पर हमारे जो सही स्थान होता है, सही जगह होती है, वहाँ पर पहुँचा देती है। भारत में और किन किन शहरों में मेट्रो की सुविधा उपलब्ध है? बहुत सारे शहर हैं, भोपाल है, वहाँ पर भी मेट्रो की सुविधा है। राजस्थान के भी कई शहर हैं जहाँ पर, जयपुर है, उसमें भी मेट्रो की सुविधा है। तो चलिए बच्चों, आज हम हमारी कविता को पढ़ते हैं। बंटी और बबली ने भेजी आपके लिए कविता। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं? छुट्टियों के आने से पहले हम तो लगते खूब झूमने, कह देते मम्मी पापा से चलो चलो ना चलो घूमने। देखो बच्चों, आप भी जब भी आपकी छुट्टियां होती हैं, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, सर्दियों की छुट्टियां होती हैं, तो आप कहीं ना कहीं घूमने जाते हो, अपने मम्मी पापा को मनाते हो कि हमें घूमने ले चलो। उसी तरह से कवि भी अपने मम्मी पापा को मना रहा है। देखो बच्चों, हमारा जो तीसरा पार्ट था, कंकड़ कंकड़ ताल भर जाता, वो भी घूमने पर ही आधारित था। उसमें भी बंटी और बबली घूमने गए थे, वहाँ पर उन्होंने बहुत ही प्यारी चीज़ें सीखी, वहाँ पर बहुत कुछ नया देखा, फ़ोटो वगैरह खिंचवाए और उन्होंने एक नई सीख भी ली वहाँ पर कि एक एक कंकड़ से ताल भर जाता है या फिर बूंद बूंद से सागर भर जाता, और हमें पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, हमें पर्यावरण को शुद्ध और स्वस्थ रखना चाहिए। उसी तरह बच्चों, अभी हमारा जो चौथा लेसन है उसमें भी कवि क्या कह रहा है कि छुट्टियों के आने से पहले ही हम झूमने लग जाते हैं, गाने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं और मम्मी पापा से कह देते हैं कि चलो हमें कहीं घूमने ले चलो, हमें कहीं पर घूमने जाना है, हमारी जो छुट्टियाँ हुई है वो हमें किसी अच्छी जगह पर बितानी है। कभी करे मन गांव चले हम, फसलें जहां मस्त लहराती। आप सभी ने देखा, आप सभी गांव से संबंधित तो होंगे, आप सभी कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो शहर से हैं और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो गांव से रिलेटेड हैं, गांव से संबंधित हैं, गांव से आते हैं, तो उन सभी को फसलों के बारे में पता होगा, वो नई नई फसलों के बारे में जानते होंगे। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि कभी करे मन गांव चले हम, फसलें जहां मस्त लहराती, हरे भरे पेड़ों पर बैठी झूम झूम चिड़िया है गाती। तो यहां पर कवि क्या कहना चाहता है कि जब भी हमारी छुट्टियां होती हैं तो हमें, हमारा जो मन है वो कहां जाने का मन करता है? हमारा गांव जाने का, जहां पर बहुत ही, जहां पर फसलें मस्त होकर लहरा रही होती हैं और हरे भरे पेड़ों पर बैठी झूम झूम चिड़िया है गाती, और चिड़िया हरे भरे पेड़ों पर बैठकर झूम झूम कर गाती हुई होती हैं। बच्चों, आप सभी ने भी देखा होगा कि आप जब भी खेतों में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे हरे भरे पेड़ हैं, आपके स्कूल में भी हरे भरे पेड़ हैं और वहाँ पर बहुत सारी आपको चिड़ियाँ देखने को मिलेंगी और वो क्या करती हैं कि चींची चींची करके सब जगह झूम रही होती हैं, गा रही होती हैं। आगे देखो, कभी करे मन गांव जाकर, मन जाकर दिल्ली मेट्रो जी की सैर करें हम।
कभी कभी कवि का क्या मन करता है कि छुट्टियां हुई हैं तो कहीं ऐसी जगह जाएं जहां पर हमारा मन करे, तो कभी उसका मन कहाँ करता है, दिल्ली जाने का, जहां पर दिल्ली में आपको क्या दिखाई देगा, मेट्रो मेट्रो वहां पर ज़्यादातर हमें मेट्रो में सैर करनी पड़ती है, मेट्रो में घूमना पड़ता है, तो कवि का मन वहाँ पर मेट्रो जी की सैर करने का करता है। और आगरा जाकर देखें ताजमहल की सुंदरता। हम आप सभी को पता होगा कि जो सात अजूबों में आता है ताजमहल, वो कहाँ पर स्थित है, आगरा में। और आगरा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश। तो ताजमहल की सुंदरता, ताजमहल को बहुत ही सुंदर माना गया है। ताजमहल किसने बनवाया था यहाँ पर, ये भी हम जानेंगे। ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी पत्नी की याद में, उनकी पत्नी भी बहुत ही सुंदर थी और उसी उन्हीं की सुंदरता के चलते उन्होंने इस ताजमहल को भी बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया, संगमरमर से इस ताजमहल की को बनाया। तो कवि का मन इसकी सुंदरता को देखने का भी करता है। अगर देखना हवा महल तो जयपुर हमको जाना होगा। बच्चों जब भी कवि कहता है कि अगर आपको अगर हमें जयपुर देखना अब हमें हवा महल देखना है तो हमें कहाँ जाना होगा, जयपुर जाना होगा। राजस्थान का एक बहुत ही प्यारा शहर है जिसको गुलाबी नगरी भी कहा जाता है, जयपुर को। तो वहाँ पर आपको कौन सा महल दिखाई देगा, हवा महल। और पहाड़ देखने हो तो शिमला हमको जाना होगा। यहाँ पर कवि क्या कहता है कि अगर हमें पहाड़ देखने होते हैं, हमें पहाड़ देखने हैं तो हमें कहाँ जाना होगा, हमें शिमला जाना होगा। और आपको ये शिमला हिमाचल प्रदेश का की राजधानी है और यहाँ पर आपको सब जगह पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देंगे, बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देगी। और यहाँ पर हमें पहाड़ देखना है तो हमें शिमला जाना होगा। सुंदर सागर और तट उनके गोवा में जाकर देखेंगे। अगर हमें सुंदर सागर और तट देखना है, हमें गोवा अगर हम जाएंगे तो हमें चारों तरफ समुद्र सागर ही सागर दिखाई देगा और सुंदर सुंदर उसके तट किनारे, उसके सुंदर सागर दिखाई देगा, पानी दिखाई देगा। चेरापूंजी में जाकर हम मेघों का सागर देखेंगे। अगर हमें बादलों का झुंड देखना है, बादलों का सागर देखना है, मेघों का सागर, मेघ मैंने होता है बादल, हमें बादलों का सागर देखना है तो हमें कहाँ जाना होगा, चेरापूंजी में जाना होगा। कितना बड़ा देश है अपना, घूम घूम कर हम देखेंगे, ढोसे इडली रसगुल्लों के शहर घूम कर हम देखेंगे। यहाँ पर कवि ने खाने पीने की बात की है और वहाँ की चीज़ें जो फेमस हैं, जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं, उन सभी के बारे में बताया है, ढोसे इडली रसगुल्ले। तो बच्चों कवि कहता है कि हमारा देश बहुत बड़ा है तो हमें इसके हर शहर में अगर जाना है तो हमें उसको क्या करना होगा, हमें घूम घूम कर देखना होगा और हर जगह जाकर, हर शहर में जाकर वहाँ की प्रसिद्ध चीज़ें जो हैं खाने की वो खानी होंगी। वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें, डोसा इडली रसगुल्ला, ये रसगुल्ला आपको पश्चिमी बंगाल की प्रसिद्ध मिठाई है, ये आपको वहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलेगा। और डोसा इडली ये हमारे दक्षिण भारत की प्रसिद्ध व्यंजन है। ये जब भी नई जगह जाते हैं नया नया सब कुछ क्यों दिखता है। यहाँ पर कवि प्रश्न कर रहा है कि जब भी हम किसी भी नई जगह पर जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ नया दिखाई देता है, कुछ हमें सब कुछ नया नया क्यों दिखता है। अगर हम बात यहाँ पर हम कर रहे हैं कि जब भी हम कहीं पर नई जगह जाते हैं तो हमें वहाँ पर क्या मिलेगा, हमें वहाँ सब कुछ नया दिखाई देगा, हम सबको वहाँ पर वहाँ की इमारतें नई दिखाई देंगी, वहाँ का वातावरण अलग दिखाई देगा। फिर आगे चलते हैं, धरती नई नई वस्तुएं नया नया अनुभव क्यों मिलता है। यहाँ पर कवि क्या कहता है कि धरती नई नई वस्तुएं वहाँ की प्रकृति, वहाँ की जो मृदा है, यहाँ पर वहाँ की जो धरती है वो भी हमें क्या दिखाई देती है, नई दिखाई देती है। और वहाँ पर मिलने वाली वस्तुएं भी हमें नई दिखाई देती हैं। आप भारत से अलग किसी देश में जाओगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ का वातावरण अलग है, वहाँ का रहन सहन अलग है, वहाँ का पहनावा अलग है और वहाँ के लोग कुछ अलग खाते मिलेंगे हमसे। नया नया अनुभव क्यों मिलता, यहाँ पर प्रश्न कवि ने किया है कि क्यों हमें नया नया अनुभव मिलता है। तो उसका प्रश्न का यही जवाब है कि जब भी हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो हम उस नई चीज़ को देखते हैं, परखते हैं, उस चीज़ को जानते हैं, तो हमें नया अनुभव
अपने आप मिल जाता है, या फिर हमें कोई किसी के द्वारा बताया जाता है, कोई हमें किसी भी चीज़ की किसी जगह के बारे में बताएगा तो वहाँ हमें उस चीज़ का अनुभव होगा। हम अगर जाकर हम किसी स्थान पर व्यक्तिगत तौर पर जाकर देखेंगे तो हमें अनुभव उस चीज़ का अनुभव मिलेगा। बच्चों यहाँ पर शब्द तरंग है, इसमें देखो मेघ, मेघ मैंने होता है बादल, तट मैंने होता है किनारा। ये हमारे जो कवि हैं वो कौन है? दिविक रमेश, ये दिविक रमेश जी ने लिखी है, यहाँ पर उनके बारे में हम जानेंगे। दिविक रमेश जी हिंदी के सुविख्यात रचनाकारों में से एक माने जाते हैं। सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड जैसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले ये पहले कवि हैं। इन्होंने दूरदर्शन के विविध कार्यक्रमों का संचालन किया है। हमारा दूरदर्शन सरकारी चैनल है और यहाँ पर उन्होंने अनेक कार्यों का क्या किया है, संचालन किया है। अब हम चलते हैं इसके अभ्यास की तरफ। आप सभी ने अभ्यास की मैंने पीडीएफ तैयार कर दी है, आप सभी को उस पीडीएफ के माध्यम से आपको मदद मिल जाएगी। आगे हम चलते हैं शब्दों का पिटारा। शब्दों का पिटारा में क्या देखेंगे? आज़ादी से पहले शिमला अंग्रेजों की गर्मियों की राजधानी थी। जब हम आज़ाद नहीं हुए थे तो शिमला क्या थी? अंग्रेजों की गर्मियों की राजधानी थी। जब भी गर्मियाँ पड़ती तो शिमला एक ठंडा शहर है, वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, तो अंग्रेज़ क्या करते थे, उसको अपनी राजधानी बना लेते थे। सर्दी के मौसम में उनकी राजधानी दिल्ली होती थी, और दिल्ली उनको जब भी गर्म सर्दी पड़ती तो वो कहाँ चले जाते थे? दिल्ली को अपनी राजधानी बना लेते थे, दिल्ली में अपना शासन स्थापित कर लेते थे। गर्मी का उल्टा होता है सर्दी। यहाँ पर क्या शब्द आए हैं? सर्दी, गर्मी। गर्मी का विलोम शब्द है सर्दी। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं कहूँ रात, आप कहोगे दिन, मैं कहूँगी सुबह, आप कहोगे शाम, तो ये सभी क्या होते हैं? उल्टे शब्द हैं, विलोम शब्द हैं। जैसे रात, दिन, आगे, पीछे, एक, अनेक, खरीदना, बेचना, ऊपर, नीचे, सुख, दुख आदि। तो यहाँ पर हमने विलोम शब्दों के बारे में पता किया है, विलोम शब्द जाने हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं सरल, प्रश्न, ऊपर, घृणा, मौखिक, इन सभी को मैंने पीडीएफ में आपके लिए, मैंने आपको पीडीएफ में बता दिया है, तो आप अपनी उस पीडीएफ को देकर अपनी किताब में भर लेंगे, उसको अच्छे से करेंगे। चलिए बच्चों, आपने पिछला जो पार्ट था हमारा, उसमें आपने सर्वनाम के बारे में जाना। आज हम सर्वनाम के प्रकारों के बारे में जानेंगे। सर्वनाम के कितने भेद हैं या कितने प्रकार हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं और यहाँ पर 6 भेदों को मैं पूरे विस्तार के साथ आपको बताऊंगी। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा क्या आएगी? जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है? पुरुषवाचक में अपने लिए करता है या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है। जैसे मैं, वह, हमारा, हम, मुझको, तू, तुम, आप, आपने, वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उनसे आदि। आप क्या कर रहे हैं? मैं खाना खा रहा हूँ। तो इसी तरह आप, मैं, ये सभी यहाँ पर क्या हुए हैं? हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम हुए हैं। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम है जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है। स्वयं अपने लिए मतलब हम हमारे लिए करते हैं, हम अपने लिए करते हैं, तो वहाँ पर क्या आएगा? निजवाचक सर्वनाम आएगा। मैंने अपना काम स्वयं किया, यहाँ पर स्वयं शब्द आया है, अपना काम, या मतलब उसने काम क्या कैसे किया है, खुद किया है, स्वयं किया है, तो यहाँ पर अपने आप, खुद, स्वयं आदि, ये सब हमारे क्या आएंगे? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ इस शब्द से ही पता लग रहा है, निश्चय, निश्चित, निश्चितता की बात होगी इसमें। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी मिले उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित, बिल्कुल स्टिक जानकारी मिले, जैसे यह किताब बहुत अच्छी है, यह किताब, हम इशारों से समझाते हैं कि यह किताब, तो इसमें जो यह है वो क्या है? सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह, वह, ये, वे आदि। अभी हम चले, हमारा जो चौथा भेद है वो
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी न मिले उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर जैसे क्या लिखेंगे हम, कोई अपना सामान यहाँ भूल गया, अगर किसी को पता हो तो बता दे। यहाँ पर किसी, कोई, ये सब जो आए हैं कुछ, ये सभी क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी न मिले। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पर प्रश्नवाचक से ही पता लग रहा है कि इसमें प्रश्न की बात हो रही है। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहाँ जा रहे हो, क्या काम बाकी रह गया, तो इसमें जो कहाँ क्या ये शब्द आए हैं ये हमारे क्या आएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम आएंगे। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य के एक शब्द का दूसरे शब्द से या दूसरे वाक्य से संबंध का पता लगता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहता है। जैसे बच्चों आप सभी ने गाना सुना होगा कि जो बोएगा वह पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, तो उसमें क्या है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा और वैसा इनका एक दूसरे से क्या है, रिलेशन है, एक दूसरे से संबंध है। तो जो बोएगा वह पाएगा या जैसा करेगा वैसा भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस तरह से कई शब्द एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। कविता में आए सर्वनाम शब्दों की सूची बनाएं, उन वाक्यों को उनको वाक्यों में प्रयोग करें। ये सभी बच्चों मैंने आपकी पीडीएफ में बना दिया है, पीडीएफ में बता दिया है। आप सभी को बहुत ही अच्छे से उस पीडीएफ को देखना है, उस पीडीएफ को अपनी कॉपी में उतारना है और अच्छे से याद करना है। आज के लिए हम हमारे इस पाठ को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आती है या फिर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप सभी मुझसे व्यक्तिगत तौर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।